Hi everybody, today we are going to discuss about the Down syndrome or trisomy 21. देखिए इसको डाउन सिंड्रोम क्यों कहा जाता है. एक ब्रिटिश फिजिशियन था जिसका नाम था जॉन लॉन्गन डाउन. 1866 में उसने इस बीमारी को, उस सिंड्रोम को डिस्कवर किया था और डिस्क्राइब किया था. तो उसी के नाम के ऊपर, क्योंकि उसमें डाउन नाम आ रहा है, तो उसके नाम के ऊपर जो है इस सिंड्रोम का नाम जो है वो आपका डाउन सिंड्रोम रखा गया. बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि व्हाट इज सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या है. देखिए सिंड्रोम जो है, एक होता है डिजीज, एक होता है सिंड्रोम. डिजीज जो है आप किसी एक चीज को कह सकते हैं, लेकिन सिंड्रोम कहते हैं कलेक्शन ऑफ द डिजीज, जिसमें बहुत सारी डिजीज जो है आपका शामिल हो जाती है, तो उस चीज को सिंड्रोम का नाम दिया जाता है. तो यहां हम डिस्कस कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम को. तो डाउन सिंड्रोम जो है आपका ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपका 21st पेयर जो होता है आपका क्रोमोसोम का, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है. तो यानी कि वहां पर जो है आपका 3 क्रोमोसोम जो है वो आपका हो जाते हैं. तो उसकी वजह से ये इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो अक्सर होती है. इंसान के जिस्म में जो है आपका, इंसान की एक सेल के अंदर जो है आपका 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं और ये 1 पेयर जो है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो एक मदर से आता है और एक फादर से आता है. तो वहां पर 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं. तो उस चीज को, उस बीमारी को, उस परेशानी को हम डाउन सिंड्रोम का नाम देते हैं या ट्राइसोमी 21 का नाम देते हैं. हमेशा जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं. जब 21st पेयर जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि उसमें एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाता है, तो उसकी वजह से क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 46 के बजाय 47 हो जाता है. तो उससे पैदा होने वाले सिम्टम्स, उससे होने वाली परेशानियां जो है आपका, उसी को हम डाउन सिंड्रोम का नाम देते हैं. और ये कब होता है, ये होता है ड्यूरिंग आपका प्रेगनेंसी, यानी कि जब जायगोट फॉर्म होता है तो वहां पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है 21st पेयर में. तो उसकी वजह से ये परेशानी जो है आपका पैदा होती है. उसकी वजह से बेबी में जो डेवलपमेंट हो रहा है, होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो उसके डिस्टर्ब होने पर जो साइन सिम्टम्स आते हैं, जो निशानियां दिखाई देती हैं, वो कौन कौन सी होती है, यानी कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें जो है आपको दिखाई देती है, जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम है. जो कि आप हमारे थंबनेल में देख सकते हैं, जो हमने थंबनेल बनाया है उसमें हमने एक फोटो डाला है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उस तरह के जो बच्चे होते हैं तो वो सब डाउन सिंड्रोम के शिकार होते हैं. तो उसमें होता क्या है, डाउन सिंड्रोम में आपका जो साइन सिम्टम नजर आएंगे, उसमें सबसे पहली चीज के जो उसका हेड होगा वो शॉर्ट होता है. हेड जो है उसका शॉर्ट होता है, लेकिन चेहरा थोड़ा सा फूला हुआ होता है, फेस थोड़ा सा फ्लैट होता है, नाक भी फ्लैट होती है, थोड़ी सी फैली हुई होती है, और गर्दन जो है वो आपका शॉर्ट होती है, और गर्दन के पीछे से मांसपेशियां जो है वो आपका बल्ज हो जाती है, फूल जाती है, तो शॉर्ट नेक होती है. इसी के साथ साथ जो ऑसिपिटल बोन होती है, यानी कि ये वाली हड्डी जो होती है, ये जो है फ्लैट होती है, जिसको हम फ्लैट ऑसिपिटल बोन का नाम देते हैं. आंखें जो होती है, उस बच्चे की जो आंखें होती है वो थोड़ी ऑब्लिक होती है और पीछे को खिंची हुई होती है, और ऐसी लगती है जैसे बादाम, एलमोंड शेप्ड, तो इसीलिए उनको एलमोंड आई का नाम भी जो है आपका दिया जाता है. और जो आपका आइरिस होता है वो व्हाइट कलर का डॉटेड डॉटेड हो जाता है, जिसकी वजह से विजन पर भी फर्क पड़ता है. तो आइरिस जो है वो आपका डॉटेड हो जाती है, और हथेलियां और उंगलियां, हाथों और पैरों की हथेलियां और उंगलियां जो है वो शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो अलग ही दिखाई देता है. उस बच्चे का मुंह जो है हमेशा थोड़ा सा खुला रहता है ऐसे, और जबान जो है थोड़ी सी बाहर को आई भी होती है, जबान प्रोट्रूड आउट फ्रॉम द माउथ. इस तरह से जो है बच्चे की पोजीशन रहती है, तो आप उसको देख के पहचान सकते हैं. और ऐसा बच्चा जो है वो, उसकी जो ग्रोथ होती है वो रिटार्डेड होती है, उसकी ग्रोथ रिटार्ड होने की वजह से उसका कद भी छोटा रह जाता है, और उसका जो मेंटल, यानी कि दिमाग का जो विकास होना था वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाता है, यानी कि वो मेंटली रिटार्डेड होता है, और उसका आईक्यू जो लेवल होता है वो भी नॉर्मल बच्चों के मुकाबले पर कम होता है, यानी कि अबाउट 50 के करीब जो है उसका. तो उस बच्चे का आईक्यू लेवल भी कम होता है, अबाउट 50 के करीब होता है,
एक नॉर्मल बच्चे के मुकाबले पर, और उसके जो कान होते हैं ये भी छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और हाथ और पैर जो है वो आपका थोड़े से टेढ़े से हो जाते हैं, यानी कि डिफॉर्मिटी आ जाती है उनके हाथों में, पैरों में और जॉइंट्स में, और हाथ और पैरों के अंदर थोड़ा लचीलापन आ जाता है। कुछ वक्त के बाद उसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे उसकी इम्यूनिटी डिसऑर्डर, इम्यूनिटी जो है उसकी वीक हो जाती है, और थोड़ा सा इंफेक्शन होते ही वो बीमार हो जाता है। और इसी के साथ साथ स्लीप डिसऑर्डर, उसकी नींद में भी गड़बड़ाहट हो जाती है, पेट मोटा हो जाता है, यानी कि ओबेसिटी उसके अंदर आ जाती है। डेंटल डिसऑर्डर्स, इनके डेंटल प्रॉब्लम्स होने लगती है, दांत झड़कर गिरने लगते हैं, दांत गैप आ जाता है, तो डेंटल प्रॉब्लम्स भी जो उसमें देखने को मिलते हैं, और उसमें दौरे भी पड़ते हुए देखे जाते हैं, और आंख कान के अंदर भी जो है वो आपका इंफेक्शन बार बार होने लगता है। तो उसकी वजह से हेयर, जो हियरिंग प्रॉब्लम होती है, यानी कि सुनने में परेशानी होती है। इसी के साथ साथ आंखों में मैंने आपको बताया कि आयरिस पर जो है वो आपका डॉटेड व्हाइट डॉटेड डॉटेड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से विजन प्रॉब्लम भी ऐसे बच्चे में देखने को मिलती है। और इसके अलावा ऐसे बच्चे में हार्ट भी डिफेक्टेड होता है, और जीआईटी प्रॉब्लम्स, यानी कि आपका इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स भी ऐसे बच्चे में देखने को मिलती है। कॉजेज इसके क्या हो सकते हैं, इसकी वजूहत क्या हो सकती है? देखिए, इसका जो मेन कॉज माना जाता है, यानी कि समझा जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन माना जाता है कि जिन लोगों की शादियां 35 इयर्स के बाद होती हैं, तो उनके होने वाले बच्चों में इस तरह की कंडीशंस मिल सकती है, श्योर नहीं है लेकिन मिल सकती है। या जिनके बच्चे आईवीएफ के जरिए हो रहे हैं, तो उनके बच्चों के अंदर भी इस तरह की कंडीशंस जो है वो आपका देखने को मिलती है। और कुछ जो है आपका जिनके अंदर लो स्पर्म काउंट, यानी कि स्पर्म की संख्या जो है वो कम होती है, तो उनमें भी इस तरह के केसेस देखने को मिल सकते हैं। या इसके साथ साथ जो कैरियर होते हैं डाउन सिंड्रोम के, उनमें भी ये परेशानियां देखने को मिल सकती है। एक बच्चा जिनका ऑलरेडी डाउन सिंड्रोम का शिकार है, उनमें भी जो है आपका इस तरह का रिस्क हो सकता है। तो ये आपके इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स जो है इसमें, देखिए चांसेस जो है कितने परसेंट चांसेस होते हैं। देखिए, जिन लोगों की शादियां जो है वो 30 इयर्स से पहले हो जाती है, यानी कि 30 इयर्स से पहले कपल में आपका 800 में एक बच्चे का चांस बन सकता है, और आफ्टर 35 इयर्स जो शादियां करते हैं तो उनके अंदर 350 में एक बच्चे का चांस जो है वो इस तरह का हो सकता है, और आफ्टर 40 इयर्स जो है वो अगर शादियां करते हैं तो उनके अंदर जो है आपका 150 में एक बच्चा जो है इस तरह का देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर ऑल वर्ल्ड की 3-4% पॉपुलेशन में इस तरह के केसेस मिल सकते हैं, और अबाउट ऑल वर्ल्ड में 80 लाख केसेस जो है इस तरह के देखने को मिलते हैं। हाउ कैन डायग्नोज, यानी कि इसको कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं? देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूएसजी में भी इसका पता लग सकता है, और न्यूकल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट में भी इसका पता लग सकता है, और एमनियोसेंटेसिस के जरिए भी इसका पता लगाया जा सकता है, और क्रॉनिक विलस सैंपलिंग के जरिए भी इसका पता लगाया जा सकता है, और इसके साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट के जरिए भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रिपल एनआईपीटी टेस्ट जो है उनके जरिए इसका पता लगाया जा सकता है। आफ्टर बर्थ, पैदाइश के बाद जो है इसमें हम जो है क्रोमोसोमल जो है आपका एनालिसिस कराते हैं, जिसमें आपका ट्राइसोमी 21 पता लग जाता है, और इसी के साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन हम बच्चे का करते हैं, जिसमें ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल सकती है, तो उसके जरिए जो है हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट की बात। देखिए, अगर एक बार डाउन सिंड्रोम अपीयर हो गया तो फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़े से सपोर्टिव केयर और कुछ थेरेपीज करके जो है इससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर ये अकरेंस हो गया, यानी कि डाउन सिंड्रोम अपीयर हो गया बच्चे के अंदर, तो उसका फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, सिर्फ सपोर्टिव केयर ही आप कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21। तो इसमें से अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।